दोस्तों, यदि आपके घर में बुजुर्ग है, या मैं कहूँगा आपका भी विजन या जो देखने की शक्ति है, वो सडनली आप देखते हैं कि एकदम से आप उठते हैं और आपको पाते हैं कि आपकी जो विजन है वो विजन काफ़ी कमजोर हो गया है, आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, या आपको ब्लर्ड विजन, धुंधला विजन हो गया है, तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई है तो हो सकता है आपको रेटाइनल हेमरेज हो गया हो, यानी आपके जो आँख के अंदर जो रेटाइना होता है, जिसको कि आपका आँख का पर्दा भी बोलते हैं, उस पर्दे के ऊपर आपको ब्लड आ गया हो, वहाँ पे आपको हेमरेज हो गया हो। अगर इसी स्थिति डेवलप हो गई है दोस्तों, तो यह वीडियो आपके काफ़ी काम का हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा आपको कि आखिर क्या कारण होता है कि आपको रेटाइना जो होता है, जिसको बोलते हैं आँख का पर्दा, उसके ऊपर ब्लड आ जाता है, जिसके कारण आपको दिखना बंद हो जाता है या आपको धुंधला दिखता है, प्रॉपर इमेज नहीं बन पाती है। दोस्तों इन कारण के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन कौन से सिम्टम है जिसको कि आप देख के आसानी से पता लगा सकें कि कहीं आपको रेटाइना में हेमरेज तो नहीं हो गया, और ऐसे कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको कि लेने के बाद में आप अपने जो आँख के अंदर जो पर्दे पे आपके जो खून जमा हो जाता है, ये जो रेटाइनल हेमरेज हो जाता है, उस हेमरेज को आप हटा सकें और उसको अपना जो विज़न है, इस विज़न को वापस आप इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपकी आंख जो होती है एक बॉल के रूप में होती है, और यह जो आंख होती है इसके जो सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेटिना। दोस्तों रेटिना का काम होता है इमेज बनाना, यानी आपके सामने कोई भी चीज़ पड़ी है, मान लीजिए कोई पेन पड़ा है या कोई इंसान खड़ा है, तो उसको जो देखने का काम होगा वो रेटिना द्वारा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब रेटिना में कोई तरह का डिस्टर्बेंस आ जाता है, यानी उसके अंदर मान लीजिए कभी हेमरेज हो गया, कभी ब्लड आ गया, तो उसकी वजह से आपको जो इमेज होती है वो बन नहीं पाती है, उसी वजह से आपको आपको दिखना बंद हो जाता है या आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों रेटिनल हेमरेज को समझने के लिए आपको आँख को जानना जरूरी है। दोस्तों इसीलिए मैं एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि आपकी आँख जो होती है वो कैसी होती है, और उसको अंदर से वो किस तरह का टेक्सचर होता है, और बाहर से देखने में कैसी होती है। दोस्तों आपकी आँख जो होती है उसको जब आप देखते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो जो बाहर का जो आपका ये पोर्शन है दोस्तों, जो व्हाइट पोर्शन है उसको बोलते हैं स्क्लेरा, और जो आपको सामने का जो पोर्शन होता है, आँख के बीच का जो पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया में दोस्तों आप अगर देखेंगे जो जो बाहर की बॉडी होगी, जो बाहर का स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं आयरिस, और जो बीचों बीच में एक देखेंगे एक जो सबसे छोटा सा एक स्ट्रक्चर है जिसको भी बोलते हैं प्यूपिल। दोस्तों आपकी जो रोशनी होती है वो प्यूपिल से होते हुए जाती है आपकी आँख के अंदर, और प्यूपिल के जस्ट पीछे एक लेंस होता है, और यह जो लेंस होता है, इस लेंस से एक आपकी जो रोशनी होती है वो जाके पीछे रेटिना पे जाती है। रेटिना जो होता है वो आपके आँख की अंदर का जो सबसे एक इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसका कि काम होता है इमेज बनाना। दोस्तों रेटिना जो होता है, रेटिना के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में नर्व सप्लाई होती है, जिसको कि बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो होती है वो रेटिना से जुड़ी हुई होती है, और जब आप किसी चीज़ को आप देखते हैं तो देखने का आपका जो आभास होता है वो आपको आपको रेटिनल में जो नर्व होती है, जिसको कि बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, उसके द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ से जो मैसेज होता है वो मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है, जिससे आपको देखने की आपको अनुभूति होती है, आप किसी चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कभी भी आप पाते हैं कि आपकी जो रेटिना है, रेटिना में क्योंकि ब्लड सप्लाई भी होती है, और जब ये ब्लड सप्लाई जो होती है किसी कारण से उसमें हेमरेज हो जाता है, तो उसकी हेमरेज होने के कारण जो रेटिना होता है, उस रेटिना पे जब आपको लगेगा कि कुछ ब्लड आ गया है, तो उसके कारण जो होती है इमेज होती है वो बन नहीं पाती है, और मैसेज होता है वो ब्रेन तक जा नहीं पाता है, और उसकी वजह से आपको देखने में परेशानी होती है, आपको या तो दिखना बंद हो जाता है या आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों आप जब कभी भी आप देखें कि आप कैमरे में मान लीजिए फोटो लेते हैं, तो जो आपकी इमेज होती है वो जैसे वो कि रील पे या आप देखते हैं कि उस पर इमेज बनती है, उसी तरह से रेटिना जो होता है उसका भी काम वही होता है, जस्ट लाइक ए कैमरा की तरफ। और दोस्तों आप मान लीजिए आप कांच के सामने खड़े हैं, कांच में आप देखेंगे तो आपकी आपको इमेज दिखती है, लेकिन आप उसी कांच को अगर मैं उसको डार्क रेड कलर से उसको अगर मैं उसको पुताई कर दूं या उसको कलर लगा दूं, तो आपको क्या आपको आपकी इमेज दिखेगी? शायद नहीं दिखेगी। वो सेम उसी तरह से जब आपके रेटिना पे जब आपको ब्लड आ जाता है, या तो उसकी वजह से आपको दिखना बंद हो जाता है या आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों यही कंडीशन होती है जिसको कि बोलते हैं रेटिनल हेमरेज। दोस्तों अगर आपको रेटिना में हेमरेज हो जाता है, तो धीरे धीरे आपको इसमें आपका विजन जो होता है वो चला जाता है, या सडनली विजन चला जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको रेटिना में हेमरेज हो गया है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, आपकी बॉडी में ऐसे कौन से सिम्टम हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि कहीं आपको रेटिना में हेमरेज तो नहीं हो गया या हेमरेज तो नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आपको रेटिना में हेमरेज होता है, तो हो सकता है इनिशियली आपको इसके कोई तरह के सिम्टम देखने को नहीं मिले, और सडनली आपको पता चले कि आपका विजन जो होता है वो बुरा चला गया है। दोस्तों लेकिन इसमें कुछ सिम्टम होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो तुरंत आपको अपने आसपास जो आँखों के डॉक्टर होते हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे आपको मिलने की जरूरत होती है, ताकि आपके विजन को डिस्टर्ब होने से बचाया जा सके। दोस्तों यदि आपको फ्लोटर्स बनते हैं आपकी आँखों में, यानी आपको जब कभी भी आप खाली जगह पर देखते हैं, या
आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कुछ आपकी आंखों के सामने ऐसी इमेज बनेगी, छोटे छोटे से कुछ आपको ऐसा लगेगा, कुछ तैरते हुए से स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको। अगर ऐसे फ्लोटर्स अगर आपको आंखें आगे बनते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, हो सकता है आपको हेमरेज की वजह से हो रहा हो। इसके अलावा दोस्तों आपको हो सकता है आपका जो विजन है विजन धुंधला हो रहा हो, आपको देखने में परेशानी होती है, या आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ जालों जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, आपको आंख के आगे आपको जालों की एक इमेज सी दिखने शुरू हो जाती है। अगर ऐसी इमेज बनती है तो यह भी आपको सावधान होने की जरूरत है। आप अगर देखते हैं तो देखने पे आपको अगर ब्लैक कुछ स्पॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं अगर आपको विजन में, या आपको आप जब देखते हैं तो आपकी जो इमेज होती है वो इमेज या तो कटी हुई बनती है या वो टेढ़ी मेढ़ी बनती है, प्रॉपरली इमेज नहीं बन पाती है। आपको ऐसा लगता है कि जब आप देखते हैं तो कुछ पर्टिकुलर एक एंगल से देखते हैं तब आपको देखने को मिल रहा है, दूसरे एंगल से आप देखते हैं तो आपको प्रॉपरली आप देख नहीं पाते हैं। दोस्तों यह अगर सिम्टम देखने को मिलते हैं तो हो सकता है आपको रेटिनल हेमरेज हो, या आपकी आंख में जो पर्दा होता है जिसको बोलते हैं रेटिना, वहाँ पे आपको हेमरेज हो गया हो, या वहाँ पे आपको खून जम गया हो, इस वजह से आपको ऐसा हो रहा हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ शेडो जैसा दिखता है, आपको आंखों के आगे आपको स्पार्किंग जैसी आपको आभास होता है, आपको विजन जो होता है उसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपको कुछ सर में भारीपन होता है, हेडेक जैसा महसूस होता है, या आप देखते हैं कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब आपको विजन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखने को मिलता है, और एज़ कम्पेयर टू डे टाइम में जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे आपके विजन में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू होता है। अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं दोस्तों तो यह हो सकता है आपको रेटिनल हेमरेज की वजह से आपसे हो रहा हो, आपका विजन में डिस्टर्बेंस आना शुरू हुआ है, और ये हो सकता है सडनली कई दफ़ा आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपका विजन जो होता है वो पूरा चला जाता है, आप में कंप्लीटली ब्लाइंडनेस आ जाती है। दोस्तों ऐसे सिम्टम देखते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है या आपको रेटिना में हैमरेज आ जाता है जिसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण देखा गया है दोस्तों वो होता है आपको डायबिटीज़, यानी आपको अगर मधुमेह की शिकायत है, अगर आप डायबिटीज़ है और आप अपना डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करके नहीं चलते हैं, अनियंत्रित अगर आपकी रहती है डायबिटीज़ तो उसकी वजह से आपको आपकी आंखों में हैमरेज हो सकता है जिसके कारण आपको ब्लाइंडनेस या आपको देखने में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों यह इसका सबसे बड़ा कारण देखा जाता है। दूसरा जो एक बड़ा कारण होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो उसकी वजह से भी आपको आपके रेटिना में हैमरेज हो सकता है और आपको देखने में दिक्कत आ सकती है। एक और जो बड़ा कारण होता है दोस्तों वह होता है आपको हाई एल्टीट्यूड पे जाना, यानी आप अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो उसकी वजह से आपको हो सकता है आपको हाइपोक्सिया हो जाता है, और हाइपोक्सिया की वजह से भी आपको आँख के अंदर हेमरेज हो सकता है, आपको रेटिना में हेमरेज होने की वजह से आपको ब्लाइंडनेस आ सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके आँख में कोई तरह की इंजरी कोई ट्रॉमा हो गया है चोट लगी है तो उसकी वजह से भी आपको आँख के अंदर हेमरेज हो सकता है और आपको ब्लाइंडनेस आ सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों ऐसा देखा गया कि ल्यूकेमिया में या सिकल सेल एनीमिया जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी इस तरह की रेटिना में हेमरेज हो सकता है। दोस्तों ये इसके कुछ मुख्य मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें क्या करना चाहिए अगर आपको रेटिना में हेमरेज हो जाता है या आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आपको सबसे पहले अपने जो नज़दीकी आँखों के डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, वो आपकी कुछ प्रॉपर आपकी आँखों की जाँच करके देखेंगे। उसके साथ साथ हो सकता है एक इसमें एक एंजियोग्राफी की जाती है, एंजियोग्राफी करके भी देखते हैं, उसमें एक डाई होती है, डाई का यूज़ किया जाता है जिसकी सहायता से उसके कंप्लीट एक आपकी आँखों की एक फिल्म आ जाती है जिसकी फिल्म की सहायता से वो पता चलता है कि कहीं आपकी आँखों में रेटिना में हेमरेज तो नहीं हो गया है, हेमरेज की वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, और उसका समय रहते उसका उपचार किया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ होम्योपैथी जरूर आप इसके साथ साथ चालू करें तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और आपकी आंखों के अंदर जो ब्लड जो जमा हो गया है जो हैमरेज हो गया उसको डिजोल्व करने में उसको हटाने में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो काम में लेते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, बहुत जल्दी आपका जो विजन होता है विजन में आप इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उन कुछ मुख्य मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन की जो कि आपके रेटिना में अगर हैमरेज हो जाता है तो उसमें काम में ली जाती है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों इसमें जो अगर आपको सबसे पहले हम बात करें अगर इंजरी हुई है और इंजरी की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो इसमें दो तरह की मेडिसिन काम में ली जाती है। सबसे पहले काम में ली जाती है आर्निका। आर्निका इसमें काम में लेने से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और आर्निका इसमें 30 पोटेंशियम काम में लेते हैं, और इसको आर्निका को 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम, इस तरह से आपको डायरेक्ट टंग पर लेना होता है। और उसके साथ साथ एक और जो मेडिसिन होती है जो कि काम में ली जाती है अगर आपको इंजरी की वजह से ऐसा हुआ है तो वो है सिम्फाइटम 30। सिम्फाइटम 30 भी अगर इस तरह की कोई इंजरी हुई है तो इंजरी की वजह से हुआ है तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सिम्फाइटम 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। दोस्तों इसके साथ साथ
एक और जो मेडिसिन है जो कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, जो कि अगर आपकी आँख के अंदर किसी भी तरह कारण से अगर हेमरेज हो गया है तो वो मेडिसिन है जो कि अंदर जो ब्लड क्लॉट हो गया है या जो हेमरेज हो गया उसको डिजोल्व करने में काम मिली जाती है। तो वो मेडिसिन है एक लेकेसिस 30, चाहे किसी भी कारण से अगर आपकी आँख के अंदर हेमरेज हुआ है तो उसको दूर करने में बहुत अच्छा काम करती है। लेकेसिस 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 2 बार सुबह और शाम। इसके साथ साथ एक और जो मेडिसिन है जो कि अगर आपकी आँख के अंदर हेमरेज हो गया और आपको कंप्लीट ब्लाइंडनेस आ जाती है तो उस ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए काम मिली जाती है और उस मेडिसिन का नाम है बोथ्रोप्स 30 भी इस तरह के जो हेमरेज होते हैं उसको हेमरेज को डिजोल्व करती है और आपके विजन को इम्प्रूव करती है। बोथ्रोप्स 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम। दोस्तों एक और जो मेडिसिन है जो कि आपके आँख के अंदर कहीं पर भी अगर हेमरेज हो जाए, चाहे वो आपके बाहर की तरफ आपको ब्लड दिख रहा है आपके आँख के बाहर या फिर आपके आँख के अंदर अगर रेटिना में हेमरेज हो गया है या विट्रस बॉडी में अगर आपको वहाँ पे हेमरेज हो गया है तो उसकी वजह से आपको जब वहाँ पे खून इकट्ठा हो जाता है तो उसको डिजोल्व करने में बहुत अच्छा काम करती है। वह मेडिसिन है लिडमपाल 30 में काम मिली जाती है और लिडमपाल 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें सिम्टम को देखते हुए दी जाती है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर आपको इस तरह की कंडीशन है तो आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, इसमें कोई भी तरह की लापरवाही नहीं करें। आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी है अगर आपको रेटिना में हेमरेज हो जाता है तो उसके बारे में कि आपको कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, कौन से कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है और ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको लेने से आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मैं जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।